नमस्कार। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं इस क्लास में डे 91 वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का हमारा 91st डे है। समझते हैं इसको, देखो क्या है ये। ये हमने मार्कर सेट किया, ऑल सेट, यस। चलिए, सो वोकैबुलरी डे 91 रेडी। यहां लिखा है नज, जैसे जज होता है JUDGE, ऐसे होता है नज, है ना। ये एन से शुरू है, नज। प्रोसेस क्या हो रही है, देखो वो लड़की उसको ऐसे कोहनी मार रही है, तल्ला मार रही है, हल्के से पुश कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है, हल्के से टल्ला मारना, पुश कर देना, हल्के से धक्का देना, कोहनी मार देना, इसको हम कहते हैं नज। देखिए, तो हमारा आज का वर्ड है नज। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। मतलब नच का मतलब धक्का भी होता है और धक्का मारना भी होता है ना, दोनों होता है। पुश करना भी होता है और पुश भी होता है। अ स्लाइट पुश और शेक, ये देखिए, अ स्लाइट पुश, धीरे से आपने किसी को धक्का मारा, या टू पुश अगेंस्ट जेंटली, या किसी को धीरे से धक्का मार देना। जैसे मैसेज के दो मतलब होते हैं, मैसेज मतलब संदेश, और उसी मैसेज का मतलब होता है संदेश भेजना। मतलब एक ही वर्ड वो कभी नाउन होता है और कभी वर्ब होता है ना। तो ऐसे यहां पर नज जो है वो कभी नाउन है और कभी वर्ब है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमने देख लिया इसका मीनिंग। देखिए, लिखा है टल्ला मारना या हल्के से पुश करना, ठीक है। ही नज्ड मी जेंटली, उसने मुझे धीरे से ऐसे टल्ला मारा। एट द एंट्रेंस ऑफ टीचर, होता था ना स्कूल में, क्या आप बैठे हुए हैं, आपका ध्यान कहीं और है, इतने में टीचर क्लास के अंदर एंटर किया उन्होंने, तो आपका फ्रेंड आपको यूं टल्ला मारता है कि देख सर आ गए हैं। तो ये जो टल्ला मारने वाला मामला है, दैट इज कॉल्ड नज। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज ईडी, नज्ड, नज्ड। तो हमने एक अच्छा वर्ड सीखा आज, बिल्कुल नया था ना। क्या मतलब है उसका, नज मतलब धीरे से टल्ला मारना, पुश करना, धकाना, दैट इज कॉल्ड नज। पूरे मन से सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया शब्द सीखा है, इसको यूज कीजिएगा। जब आप कुछ चीज धीरे से टल्ला मार दें, धीरे से धका दें, कहना नज्ड। ओह, ये तो कोई डॉन दिख रहे हैं ना, दिख रहा है डॉन एकदम। चलिए समझ लेते हैं डॉन से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। ये है नोटोरियस। क्या मतलब है नोटोरियस, यह है एडजेक्टिव, ये इनकी क्वालिटी है, ये इनकी विशेषता है, ठीक है। वर्ड है नोटोरियस, नोन वाइडली एंड यूजुअली अनफेवरेबली, या वेल नोन फॉर समथिंग बैड, जिसका नाम तो बहुत हो लेकिन वो कैसा हो, बदनाम हो। हिंदी बोलते ना, बहुत बदनाम है, क्योंकि नाम तो बहुत है, जानते बहुत लोग हैं, लेकिन कैसे, समथिंग बैड, किसी बुरी चीज के लिए अनफेवरेबली जानते हैं। तो ये हो गया नोटोरियस, हिंदी में कहते हैं कुख्यात। आपने एक वर्ड सुना है विख्यात, दैट इज फेमस। फेमस तो आपको आता है ना, फेमस का ऑपोजिट वर्ड है कुख्यात, है ना। मतलब विख्यात का ऑपोजिट, जो लोग पॉजिटिवली नोन होते हैं, जो अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं विख्यात, हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना, फेमस हैं। लेकिन ये क्या हुआ, ये वाले भैया कैसे थे, ये नोटोरियस थे, मतलब कुख्यात हैं, एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी है, है ना, भले ही बुरी क्वालिटी है, पर क्वालिटी है कि विख्यात नहीं, कुख्यात हैं। और नोटोरियस स्मगलर, है ना, कोई स्मगलर है जो बहुत जाना जाता है, लेकिन किस लिए, बुरे नाम के लिए, बदनाम है वो, है ना, नेगेटिव चीजों के लिए जाना जाता है, बैड चीजों के लिए जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस। दोनों ही शब्द आज के बहुत बढ़िया हैं। पहला था नज, मैंने हल्के से पुश करना, टल्ला मार देना। अब आ गया नोटोरियस, ये फेमस का अपोजिट शब्द है, फेमस मतलब प्रसिद्ध और नोटोरियस मतलब कुख्यात। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई थिंक 8th क्लास और समवेयर, है ना, जब मैं 8वीं क्लास में था, तब क्लास में हमें
इंग्लिश वाले जो सर है वो पढ़ा रहे थे, किसी एक बच्चे ने कहा जो ना बैक बेंचर्स होते हैं उसमें से, कि सर ये अपने पूरे स्कूल में बहुत फेमस है ये लड़का। तब वो टीचर ने कहा था कि ये फेमस नहीं है, हाँ इसे सब लोग जानते हैं पर ये फेमस नहीं है, ये नोटोरियस है, ये कुख्यात है। तब से ही मुझे ये शब्द आता है, राइट फ्रॉम माय 8th क्लास। यस, सो नोटोरियस, कुख्यात। आप आज सीख गए ना, सीख जाइए और उसको यूज कीजिए आपके आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, आपके यू नो क्लास में, ऑफिस में, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो होगा क्या नोटोरियस, उसका चेहरा ध्यान कर लीजिए और समझ जाइए कि मामला नोटोरियस है। अब ये काफ़ी सारी पिक्चर्स दिख रही हैं, कुतुब मीनार है इसमें, है ना, लाल किला भी है, ताजमहल है, समथिंग, ये सब क्या है? इन्हें हम कहते हैं मॉन्यूमेंट। एक और अच्छा शब्द सीख रहे हैं अपन, ये क्या है? मॉन्यूमेंट, मतलब ये नाउन है, किसी चीज का नाम है, मॉन्यूमेंट। अ बिल्डिंग और स्टैच्यू दैट इज बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट। कोई भी बिल्डिंग या स्टैच्यू, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू लगी हुई है ना यूनिटी, वो तो बिल्डिंग और कोई भी स्टैच्यू दैट इज बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट, जो किसी फेमस पर्सनैलिटी की या किसी घटना की याद दिलाते हैं, इस तरह के जो स्मारक होते हैं उसको कहते हैं मोन्यूमेंट। हिंदी में कहते हैं स्मारक, जो स्मृति दिलाते हैं ना, स्मारक हैं। रेड फोर्ट इज अ मोन्यूमेंट। तीनों शब्द बहुत गजब है, बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। पहला शब्द था नज, ऐसे टल्ला मारना, है ना। दूसरा था नोटोरियस, आपके भी आसपास पड़ोस में कोई होगा जो क्या होगा, नोटोरियस होगा, कुख्यात। और तीसरा शब्द है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मींस कोई ऐसे बिल्डिंग जो किसी फेमस पर्सनालिटी की, किसी इवेंट की हमें याद दिलाती है, स्मारक हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलो ये तीन देख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ट्रीजन, यही हमारा अगला वर्ड है। ट्रीजन का मतलब क्या होता है? ट्रीजन एक नाउन है, क्या है? नाउन है, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू योर कंट्री। जब आप अपने ही देश को हार्म करते हैं, ऐसा कोई अपराध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय हेल्पिंग इट्स एनिमीज, कि अपने देश के जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उनको आप हेल्प कर दें, तो आप कैसा काम कर रहे हैं, है ना, आप ट्रीजन वाला मामला हो रहा है, देशद्रोह है ये। हिंदी में कहते हैं देशद्रोह, क्या है? देशद्रोह हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं है, है ना, हम उसके अगेंस्ट, जो उससे उसको कुछ हार्म हो सकता है, कुछ हानि हो सकती है, ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब हम देशद्रोह कर रहे हैं। ट्रीजन इन दिस कंट्री इज स्टिल पनिशेबल बाय डेथ, है ना। कुछ देशों में ऐसा होता है कि अगर आपने देशद्रोह किया, ट्रीजन आपके ऊपर अगर हो गया दोष सिद्ध, तो फिर आपको क्या किया जाता है, डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, सजाए मौत सुना दी जाती है, क्योंकि अपराध बड़ा है, आपने अपने देश को चीट किया है, है ना, तो फिर वहां ट्रीजन वर्ड का यूज करते हैं। और सबसे आखिरी वर्ड है गॉगल। अगर चश्मे वाला होता तो गॉगल्स लिखा होता ना, एस लगा होता उसमें, तब उसका मतलब वो चश्मा होता, वो धूप वाला, है ना। ये एक वर्ब है, इसका क्या मतलब है? लुक विथ वाइड ओपन आइज, टिपिकली इन अमेजमेंट। अमेजमेंट माने आश्चर्य। जब आप ऐसी आंखें फाड़ के, ये देखिए कैसे, ये ऐसे आंखें फाड़ के किसी को आश्चर्य में देखते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, आप गॉगल कर रहे हैं, यू आर गॉगलिंग। देखो, आश्चर्य से देखना, किससे देखना? आश्चर्य से देखना। देखो, आई गॉगल्ड एट देम इन टोटल डिसबिलीफ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने से आंख फाड़ के बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। सो आई गॉगल्ड एट देम इन टोटल डिसबिलीफ, आश्चर्य से देखना, लुक विथ वाइड ओपन आईज, टिपिकली इन अमेजमेंट, गॉगल। बहुत खूबसूरत शब्द हमने आज सीखे, नज, नोटोरियस, मॉन्यूमेंट, ट्रिजन एंड गॉगल। अगर ये गॉगल्स ऐसा कर देंगे तो वो चश्मे वाला हो जाएगा, ना, अभी यहां एस नहीं है, ये एक वर्ब है। यस, ठीक, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगेगा।
गॉगल्ड। चलिए अब कुछ और देखते हैं, एक छोटा फ्रेज है एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, इसको कवर कैसे यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। एज यू प्लीज कब यूज करते हैं, क्या आपने कभी सुना है, पढ़ा है, लिखा है, देखा है, बोला है कि एज यू प्लीज? इसका हिंदी सेंस होता है जैसा आप चाहें। किसी ने कहा अब मैं जा सकता हूं, क्या? बोले यस एज यू प्लीज। किसी ने कहा मैं ये सामान ले सकता हूं, बोले यस एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें। किसी ने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूं, आपने कहा या एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें, है ना। सो एज यू प्लीज हम अपनी बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसका सेंस कह रहा है जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। फिर आ रहा है दिस विल डू, दिस विल डू, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन यूज तो हम बहुत करते हैं। दिस विल डू, इसका हिंदी सेंस कहता है ये चलेगा। ये चलेगा मतलब जैसे आप किसी के घर गए, उन्होंने आपसे कहा चाय और कॉफी, तो आपने कहा टी विल डू। क्या कहा? टी विल डू मतलब चाय चलेगी। आपने किसी से पेन मांगा, है ना, एक पेन उन्होंने दिया, आपने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, उन्होंने दूसरा पेन आपको दिया, आपने कहा हाँ दिस विल डू, ये चलेगा। आपने कोई चीज़ साफ करने के लिए किसी से कपड़ा मांगा, है ना, जनरली हम कोई चीज़ साफ करने के लिए गंदा कपड़ा मांगते हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, क्या बोलते हैं, कोई एक गंदा कपड़ा देना, अरे गंदे कपड़े से तो और गंदा हो जाएगा, पर कहते तो ऐसे ही गंदा कपड़ा देना, ठीक है। आपने कपड़ा मांगा, उन्होंने आपको दिया, आपने कहा आ या दिस विल डू, ये चलेगा। अरे समझ रहे हैं, दिस विल डू, इसको बोलना सीखिए, अपनी लैंग्वेज में दिन भर में यूज कीजिए, दिस विल डू, दैट विल डू, यस। चलो नेक्स्ट, फिर आ गया सॉरी आई एम अफ्रेड। वैसे आपने सुन रखा है अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, आई एम अफ्रेड, तो मैं डरा हुआ हूं क्या? जी नहीं, ये इंग्लिश में किस तरह से यूज होता है, इसका सेंस है माफ कीजिए मुझे खेद है। किसी ने कहा कि आप वो पार्टी में आ जाएंगे क्या? बोले यार सॉरी आई एम अफ्रेड आई कांट कम, है ना, मुझे बड़ा खेद है कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, है ना। किसी ने आपसे कोई मदद मांगी और आप उस मदद को देने की कंडीशन में, पोजीशन में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू। सो आई एम अफ्रेड क्या है? ये खेद जताने के लिए, क्या कहना पड़ता है? माफ कीजिए मुझे खेद है। किसी ने कहा यार कल वहां 9 बजे आ जाना, आपने कहा यार आई एम रियली सॉरी आई एम अफ्रेड आई कांट रीच इट बाय 9, है ना, 9 बजे तो मैं नहीं पहुंच सकता हूं, क्यों, कुछ दूसरा काम है, कोई क्लास है, कुछ है, सो आई कांट रीच देयर, सो आई एम अफ्रेड, मुझे बड़ा खेद है। ये तीनों बहुत शानदार फ्रेजेस हैं, इनको यूज कीजिए अपनी लाइफ में, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें, है ना, या फिर दिस विल डू, ये चलेगा, चाय चलेगी या कॉफी, टी विल डू, है ना, एंड आई एम अफ्रेड, मुझे बड़ा खेद है, सॉरी आई एम अफ्रेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, गिव मी सम मोमेंट्स, बहुत बढ़िया फ्रेज है, गिव मी सम मोमेंट्स, इसका क्या मतलब होता है, इसको कब बोलते हैं, गिव मी सम मोमेंट्स, गिव मी सम मोमेंट्स कब यूज करते हैं इसको? अरे इसका मतलब है कुछ समय दीजिए, जो हम जल्दी बोलते हैं ना 2 मिनट, उस 2 मिनट को आप रिप्लेस करके बोलिए गिव मी सम मोमेंट्स। जल्दी बोलते थे 2 मिनट, 2 मिनट्स अभी कर देते हैं काम को, है ना, उस 2 मिनट को बोलेंगे क्या कीजिए, अब बोलिए गिव मी सम मोमेंट्स, मुझे कुछ क्षण दीजिए, मुझे कुछ समय दीजिए, गिव मी सम मोमेंट्स। या फिर ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अड़ियल है, जिद्दी है वो इंसान, मानेगा नहीं आसानी से। आप तो नहीं है ना हार्ड नट टू क्रैक, आप तो आसानी से मान जाते हैं, समझ जाते हैं। सीखिए, समझिए और यूज कीजिए इसको अपनी लैंग्वेज में, यू आर नॉट हार्ड नट टू क्रैक। पर कुछ लोग होते हैं ना अड़ियल टाइप के, हार्ड नट टू क्रैक होते हैं, जिनको मनाना, समझाना, बहलाना, फुसलाना आसान नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड नट टू क्रैक। और एक है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, बार बार यूज होता है, क्या है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब यहां चाय के प्याले की बात नहीं हो रही, लेखक कुछ और है, सेंस कुछ और है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। किसी ने कहा आप मार्केटिंग का जॉब क्यों नहीं कर लेते हो, तो आपने कहा यार नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं, है ना। तो जब कोई काम को आप अपने पूरे लगन से, पूरी मेहनत से नहीं कर पाए, तो आप कहते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी।
तो तीनों फ्रेज बहुत बढ़िया थे। गिव मी सम मोमेंट्स, मुझे कुछ क्षण दे दीजिए, या ही इज हार्ड नट टू क्रैक। वो कैसा है? हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब उसको समझाना मनाना आसान नहीं है, एंड दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।